अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यही तो दिक्कत है बड़ी माँ, हम रंगों की सिर्फ ऊपरी परत को देखते हैं। आपको पता है सफेद कोई रंग ही नहीं होता, उसे खुद को बनाने में 3 रंगों को अपने ऊपर चढ़ाना पड़ता है। अगर हरा, नीला और लाल रंग साथ ना दे तो सफेद रंग कभी बनेगा ही नहीं। बस सर, बस बहुत हुआ। 4 किताब पढ़ के हमको तो रंग मत पढ़ाओ तुम बड़के बहुआ। इसका रंग बदला ना तो समाज का रंग बदल जाएगा। सवालों का जवाब देते नहीं बनेगा। क्यों इसके माथे पे एक और कलंक मारना चाहते हो बड़ी माँ? बस अंशुमन जी, छोड़िए ना इन रंगों की बातों को। अब क्यों हमारी किस्मत बदलना चाहते जबकि भगवान जी ने हमारा भाग्य कुछ और ही लिखा है। अभी आपने ही कहा ना कि सफेद रंग कई रंगों के साथ बनता है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ये सफेद साड़ी पहनने में, जी लेंगे हम ऐसे। सुमन बेटा, तुम भले ही अंशुमन की बातों से असहमत हो लेकिन वो एक बात तो बिल्कुल सही कह रहा था। देखो बेटा सुमन, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, बल्कि हम दोनों तो ये चाहते हैं कि तुम अपनी मेडिकल की जो पढ़ाई है उसकी तैयारी क्यों नहीं शुरू कर देती। बिल्कुल सही, कपड़ों के रंगों से क्या फर्क पड़ता है बेटा, रंग तो अपने मन में होते हैं। हम जब सपने देखते हैं तो सपने बेरंग होते हैं लेकिन जैसे ही उन्हें सच्चाई का लिबास पहना देते हैं उनमें रंग आ जाते हैं। ऐसे ही बेटा, जिंदगी बेरंग नहीं होती। अपने सपनों को आगे बढ़ाओ, उन्हें पूरा करो, समझी? आरती, पूजा घर से जरा आरती की थाली लाना। आज से सुमन अपनी नई जिंदगी में कदम रख रही है, वो जिंदगी जिसका सपना इसने नंदन के साथ देखा था। बधाई हो मिस सुल्तानगंज, थोड़ा मुस्कुराइए और चाहिए कीजिए अपने सपने पूरे। आपके हर सपने में हम आपके साथ हैं। कृष्ण,
यू सुरभि माँ, आपने सच में हमारी जिंदगी में नए रंग भर दिए। भागलपुर मेडिकल कॉलेज जा रहे एंट्रेंस फॉर्म लाने, आगे की मेडिकल की एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है ना। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अंशुमन जी, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आगे बढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? हमें अपनी आगे की जिंदगी अकेले तय करनी है, तो आगे कदम भी हमें अकेले ही बढ़ाने होंगे ना। हम आते हैं, भगवान तुम्हें सफलता दे। चुको सुमन, तुम अपने साथ किसी को नहीं ले जा सकती, पर हमें तो ले जा सकती हो ना। कॉलेज की तरफ ही मेरा कुछ काम है, तुम किसी की मदद नहीं लेना चाहते, पर हमारी मदद तो करोगी ना। चले जाओ बेटा, ध्यान से जाना, जल्दी आना। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, आज कीमत तुम्हारी और काम मेरा। गुड। ले लिया फॉर्म। जी आरती दीदी, और आपकी शॉपिंग पूरी हो गई है, थोड़ी बाकी है। चले सुमन, जो हमें चाहिए वो यहाँ मिलेगा, हम देखते हैं। आरती दीदी, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, जल्दी चलिए यहाँ से। क्या हुआ बेटा? अंशुमन भैया, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सुमन को किडनैप कर लिया, कोई गुंडा था, नकाब नकाब पहने हुए थे। प्लीज खुद कर लिया आप अंशुमन भैया। आरती दीदी, अगर हम साथ भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, आप इस तरफ भागे, जल्दी भागिए आरती दीदी। रुको,
बचाने के चक्कर में खुद की जान जोखिम में डाल दी। प्लीज प्लीज आप कुछ करिए। आरती मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम लोग किस रास्ते से आए थे, कौन थे वो लोग, देखने में कैसे थे, बताओ मुझे। बोलो आरती, चुप क्यों हो? अंशुमन बेटा शांत हो जाओ, देख नहीं रहे बेचारे कितनी घबराई हुई है। आरती बेटा शांत हो जाओ, सांस लो पहले अच्छी तरह, बताओ। हेलो कौन? एक अजनबी बोल रहा, और इस अजनबी के पास तुम लोगों की एक जानने वाली है। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना बेचैन रहोगे तो ये जानने वाली की जान जा सकती है। मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या चाहिए तुम्हें, पैसा, प्लॉट, फैक्ट्री, देखो तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन सुमन को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो अच्छी बात है कि तुम जान गए हो कि मेरे पास कौन है। मेरी बात अच्छे से सुन लेना, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, बस मैं ये चाहता हूँ कि सुमन से दूर रहो तुम लोग, और उसे ढूंढने की कोशिश की तो उसकी खुशहाल वाली जिंदगी को खत्म कर दूंगा, लब से भी पत्थर बना दूंगा उसकी जिंदगी को, समझे तुम? हेलो हेलो, किसका फोन था बेटा? उसे पैसे नहीं चाहिए, वो बस हमें सुमन से दूर रहने के लिए कह रहा है, उसे ढूंढने पर सुमन को खत्म करने की धमकी दे रहा है वो। लेकिन सुमन के साथ ऐसा कौन कर सकता है, कौन हो सकता है वो? अंशुमन कहाँ है? अंशुमन मेहमान जी को छोड़ो। अंशुमन कहाँ है? सुमन बोल, अंशुमन तुम सुमन क्या कर? अंशुमन ये जवाई है इस घर के, होश में तो हो तुम? ठीक है होश में आएगा देवर जी, सुमन का नाम सुनते ही बोरा जाता है, तो इसको तो ये भी नहीं दिख रहा है कि इसकी बहन पीछे सदमे में खड़ी है, उसके पति का गिरेबान पकड़ के धमका रहा है इसको। आरती आरती संभालो अपने आपको, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? मैंने कोई होश नहीं खोया बड़ी माँ, जो भी कर रहा हूँ होशो हवास में कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही आदमी है जो सुमन को किडनैप कर सकता है, और वो है शिरीष, और शिरीष का एड्रेस होगा इस आदमी के पास, तो गिरेबान भी इसी का पकड़ूंगा ना मैं। बता सुमन का है? बोल का है सुमन? लेकिन अंशुमन भैया आप तो शिरीष को पुलिस के हवाले कर चुके थे ना, फिर वो किडनैप कैसे करेगा? शिरीष जेल से छूट चुका है। बताइए वो जेल से छूट चुका है, मैं तो ये तक नहीं पता था। कसम से हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, क्या हमें घर कुछ नहीं लगते, क्या सुमन हमारी कुछ नहीं है? अच्छा ही होगा जो तू कह रहा है वो सच, और रही बात शिरीष की, तो उसे तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं उस शिरीष को। अंशुमन रुको प्लीज, अंशुमन ने मुझे जेल भिजवाया था सुमन, लेकिन देखो मैं छूट गया, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अरे अरे डरो मत, कुछ नहीं करूंगा तुम्हें, तुम्हारे उस अंशुमन को भी माफ कर दूंगा, बस प्यार से हाँ कह दो, तुम्हारी रजामंदी चाहिए सुमन, उसके बाद तुम मेरी और मैं प्लीज आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, कि फैमिली वैसे ही एक बेटा खो चुकी, अब इनमें स्ट्रेंथ नहीं है और कुछ खोने की, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, सुमन को संभालने वाले कितने लोग हैं। क्या बकवास कर रही हो तानिया, सुमन के बारे में कौन सोचेगा,
कौन बचाएगा उसे? हम ही बचाएंगे ना? अंशुमन जी शांत हो जाइए, आप इस वक्त गुस्से में हैं। आपको पता तो चल गया है ना कि सुमन शिरीष के पास है, पुलिस की मदद लेके आप उसे बचा सकते हैं। शिरीष जेल से छूट चुका है और मैं यहाँ बैठ के पुलिस का इंतजार नहीं कर सकता। मैं खुद जाऊंगा और खुद निपटूंगा उससे। नहीं प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए, शिरीष बहुत ही डेंजरस आदमी है। तुम कहना क्या चाहती हो तान्या? कि सुमन को उसके हालातों पे छोड़ दें और यहाँ घर बैठ के पुलिस की कार्रवाई का इंतजार करें? कितने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? प्लीज अंशुमन, समझने की कोशिश कीजिए, मेरा फ्यूचर जुड़ा है आपके साथ। अगर आपको कुछ हो गया तो कौन मेरा हाथ थामेगा? प्लीज मत जाइए, आप लोग समझाइए ना प्लीज इनको। अरे कोई फायदा नहीं होगा इसको कुछ समझाने का, जब से उस लड़की का कदम पड़ा है ना इस घर में, बड़ों का बात का इज्जत तो खत्म ही हो गया जैसे। ए छुटके, तुम कोशिश करके देख लो, अपने लाडले को कुछ कहो, बताओ उसको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो अंशुमन बेटा, हालात चाहे कोई भी हो, लेकिन इस समय तानिया बिल्कुल सही कह रही है, तुम गुस्से में हो और गुस्से में कोई भी काम ठीक से नहीं होता। और सुमन की चिंता सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे घर वालों को है। तुम एक काम करो, एसपी साहब को फोन लगाओ और उनसे कहो कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। फोन लगाओ एसपी साहब को। यही तो खास बात है मुझ में सुमन, तुम कुछ भी करो कुछ भी कहो मुझे बुरा नहीं लगता। एक बात मैं अच्छी तरह समझ गया सुमन, अगर किसी को हमेशा हमेशा के लिए हासिल करना तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले किया था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बस तुम्हें पाना ही मेरा मकसद है। और आपको क्या लगता है आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? नहीं शिरीष जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कौन रोकेगा मुझे सुमन? कौन बचाएगा तुम्हें? ये मेरा फार्म हाउस शहर से बहुत दूर है, और विश्वास करो तुम्हारा अंशुमन यहां कभी नहीं पहुंच पाएगा। शिरीष जी कैसे बाप हैं आप? अरे हमारे बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए, कैसे भूख के मारे रो रहे हैं वो, यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं है क्या? बच्चों की चिंता तुम मत करो सुमन, अपने बारे में बताओ, कुछ खाओगी? तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना है तुम्हें? कुछ लिखी हूँ तुम्हारे लिए सुमन, शिरीष जी देखिए ना राशि और आयुष भूख के मारे कितना रो रहे हैं, हमारी वजह से उन्हें तकलीफ मत दीजिए। आपके बच्चे हैं ना, आप तो जानते हो उन्हें जलेबी कितनी पसंद है, हमारे लिए ना से अपने बच्चे के लिए कुछ तो खाने ले आइए। जलेबी तो मुझे भी बहुत पसंद है सुमन, लेकर आता हूँ मैं, ऑफकोर्स लेकर आऊंगा। तुम मेरी बात का ख्याल रखना।
आयुष, मीनाक्षी आयुष, आखिर सुमन कहां होगी? पता नहीं किस सिचुएशन में होगी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सुमन, अंशुमन कसम खाओ और वादा करो कि तुम किसी भी हाल में हमारी बेटी सुमन को सुरक्षित वापस घर लेके आओगे। मैं कसम खाता हूं मां, मैं किसी भी हाल में सुमन को घर वापस लाऊंगा।